सबसे पहले आपको महायुति की तीनों बड़ी पार्टियों में क्या हलचल है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात एनसीपी यानी कि अजीत पवार की करते हैं। वो यूं क्योंकि अजीत पवार के सामने चाचा पवार की दीवार भी है और महायुति में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के सामने अपना कद भी ऊंचा रखने की चुनौती है, क्योंकि अजीत पवार जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर विधानसभा चुनाव में भी दोहराए गए तो उनकी एनसीपी का भविष्य तो अंधेरे में होगा। चाचा पवार भतीजे को अपनी ताकत का एहसास कराने लगे हैं। एक के बाद एक अजीत पवार पार्टी के कई कद्दावर नेता पहले ही शरद पवार के संपर्क में थे, उनके खेमे में पहुंच चुके हैं। तो अजीत पवार ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है। पिंपरी चिंचवाड़ा में पार्टी के कई नेताओं के इस्तीफे के बाद अजीत पवार ने फौरन बैठक बुला ली। डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक पुणे के सर्किट हाउस में हुई, जहां अजीत पवार ने कैडर को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश की। और फिर निकाय चुनाव यानी कि नगर परिषद, वो मुंबई महाराष्ट्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है, नगर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार का ये एक्शन उनके लिए कितना जरूरी था वो मैं आपको समझाती हूँ। वो लगातार कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ा वो इलाका मतलब अजीत पवार, और उन्होंने वहां विकास के इतने काम किए हैं कि जनता उन्हें नकार सकती ही नहीं है। यह अलग बात है कि उसी पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में अजीत पवार को अपना कुनबा समेटने की कोशिश करनी पड़ रही है। अब इसके पीछे उन्होंने बैठक बुलाई, कार्यकर्ताओं से बातचीत कही, एकजुटता की अपील करी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजीत पवार के अकेले निकाय चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति क्या है। यह तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं इसलिए होगा क्योंकि जानकारों का मानना है कि ऐसा करके क्या क्या चीजें अजीत पवार स्टैब्लिश कर पाएंगे। पहला, अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं की जड़ता को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, निकाय चुनाव में ज्यादा सीट जीतकर गठबंधन में स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, बड़े भाई में की भूमिका में आना चाहते हैं। अजीत पवार के लिए निकाय चुनाव भी लिटमस टेस्ट की तरह ही है। और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी एक्शन मोड में है। 18 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने अपनी सभी विधायकों की बैठक बुलाई, और सूत्रों की अगर बात माने तो 3 दिन तक ये जो बैठक चली, इस बैठक में एकनाथ शिंदे ने पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दे डाले। अब ऐसे में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह है, और इसीलिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में रणनीति बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली में हर स्तर पर महाराष्ट्र को लेकर जो बड़े रणनीतिकार हैं बीजेपी के, वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही आपको लोकसभा खत्म होती नजर आएगी, जो संसद चल रही है उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे कद्दावर नेताओं का मुंबई में आना जाना शुरू हो जाएगा, पहले सरकारी और बाद में चुनावी। अब मुंबई में बीजेपी कोर कमिटी की 2 दिन की बैठक भी हुई, और उसके बाद बीजेपी 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। तो वहीं शिवसेना भी 100 सीटों पर दावा कर रही है, और अजीत पवार वाली एनसीपी भी अपने लिए 80 से 100 सीटें चाहती है।